हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक हो ना एकदम? चलें फिर आपकी क्लास शुरू कर दिया जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आज ये होने वाली है। आप सबको पता है कि इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है ना? दिख रहा है सर्व समीकाएँ, जानते हो समीकरण और सर्व समीकाएँ, मैंने आपको पहले भी बताया था ना भैया हो, इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। ये कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आपने देखा होगा SSC वगैरह में प्रायः ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि यदि यक्स का स्क्वायर अपान वन अपान यक्स का स्क्वायर बराबर 5, तो मान ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे समथिंग आ जाता है। ऐसे अगर आप देखो कंपटीशन में आता है। मैं बताऊं कैसे आता है, सिंपल सा, आप कन्फ्यूज ना हो। पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, यदि यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान बताइए, ऐसे पूछा गया है। तो आपको अगर इनका कॉन्सेप्ट पता है तब तो आप कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं इसमें आम घास, तो फिर क्या होगा? फिर भगवान ही मालिक है, तुक्का मार दोगे। तुक्का हमेशा सही होता नहीं है। हाँ, इन्हें नोट कर लीजिए। हो गए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। इसका जो माइनस वाला साथी है इसमें कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह हर जगह माइनस हो जाता है। कुछ लोग चिन्ह में कन्फ्यूजन होते हैं, अक्सर चिन्ह से ही इस सूत्र को लोग गलत करते हैं। बाकी जिनको आता भी है ना, वो सूत्र में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, हमें खुद ही कन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि प्लस में हर जगह प्लस, यहाँ पर प्लस होगा हर जगह, तीन ही चिन्ह होता है। माइनस में तीनों जगह क्या होगा, माइनस होगा। हाँ, इसको मल्टीपल करके जब खोलते हैं ब्रेकेट तो एक ही प्लस हो जाता है, लेकिन ऐसे सिंपल में ऐसे ही रहेगा। इसको याद करना बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर है ये, तीनों का स्क्वायर कर देना है, ए का बी का सी का, उसके बाद 2ab फिर बी सी रख देना है। भाई ए बी रखा फिर बी सी फिर सी ए, बस हो गया। चलिए, तो अगर हम बात करें जैसे कि इस समय कक्षा 8 के लेवल की हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो साथियों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इन सर्व समीकरणों पर आधारित, जिनको आपको हल करने हैं। जैसे आप एक लिखो पहले, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी प्लस वन का होल क्यूब, क्या है बी प्लस वन का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला आप सब जानते हो, चलो फार्मूला मैं एक बार फिर से रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से समझते चलो, बस इतना ही ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा दिख तो रहा है ना, मतलब कुछ लाइट वगैरह कम है का, ब्राइटनेस कुछ कम टाइप का लग रहा है का? ठीक तो है, मुझे को कम लग रहा है का। चलो देखो साथियों, ये पहला क्वेश्चन है, बी प्लस वन का होल क्यूब, इसका मान बताना है सर्व समीका की सहायता से। देखिए अब आप लोग समझिए, जो हम कहना चाहते हैं वो समझिए। ये आप b को a मान लोगे, इसको 1 को b मान लोगे, तो भैया हो बाबू हो क्या हो जाता है, अगर हम ऐसे रखें मान लो a प्लस बी का होल क्यूब, तो सूत्र अगर हम ओपन करें इसी के ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको ये करने में आसानी हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है 3ab ना, और प्लस ब्रेकेट में यहाँ भी प्लस नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता, गुणा लगा सकते हो ए प्लस बी। ये बात समझ में आई ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं ना? चलें आगे बढ़ें। ठीक है, हो गया ये। अब हमें क्या करना है, मान रख देना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो भैया हो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आपको बी रखना है, ये हो जाएगा बी का क्यूब प्लस, जहाँ इसमें बी है वहाँ इसमें वन रखना है, तो ये 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए, ए की जगह पर हमें क्या रखना है, बी रखना है, और बी की जगह पर 1 रखना है, तो इसमें भी हो जाएगा ए की जगह पर बी, हाँ, और बी की जगह पर 1, तो बस हो गया ना काम ख़त्म। फाइनल में कर लो बी का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 ही रहेगा, और ये 3b हो जाएगा, और ये बी प्लस 1, यही जब ब्रेकेट खुलेगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा। तो एक लाइन और बढ़ें, वैसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, फाइनली कर देते हैं बी का क्यूब प्लस 1 प्लस ये 3b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3b का बी में गुणा होगा, गुणा करने पे घाते जुड़ जाती हैं, और उसी तरह से 3b
वन में गुणा होगा तो इतना हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सीक्वेंस से लिख लेंगे, चूंकि जो हम पढ़े हैं समीकरण में अभी तक, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात, ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया। इसके आगे इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता है। लिख लीजिए, आप इसे ऊपर भी छोड़ सकते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है साथियों सी प्लस थ्री। इसमें क्या करना है हमें, सी प्लस थ्री रख देना है। आप लोग मुझे पता है कि अब कर लोगे ना, लेकिन मैं एक और बता देता हूँ। देखो सी प्लस थ्री, अब देखो लेकिन प्यार से देखो, एकदम प्यार से देखो पूरा, सी प्लस थ्री होल क्यूब, जहाँ जहाँ पर सी है भैया इसमें, हाँ ऐसे नहीं, उल्टा हो रहा है, जहाँ जहाँ पर सूत्र में ए है कहीं भी, वहाँ आप क्या रखोगे, सी, क्योंकि ए की जगह क्या है, सी। और जहाँ जहाँ सूत्र में बी है वहाँ वहाँ तुम तीन रखोगे, बस इतना ही हमें करना है। तो चलो कर लेते हैं, फिर देर किस बात की, हाँ सभी कर लोगे ना, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आते रहेंगे ना, ये फार्मूले वगैरह याद रहे ना, तो आगे चल के मैथमेटिक्स में आप कभी भी कंपटीशन की क्लास देखोगे, चाहे पीबीआर स्टडी में देखोगे या कहीं भी देखोगे, नाम करोगे कि हाँ मैंने बेसिक कहीं से पढ़ा था। हाँ चलो, ए की जगह पर सी रखना है, तो भैया हो सी का क्यूब हो जाएगा बाबू, प्लस बी, बी की जगह पर तीन रखना है, तीन का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए, जहाँ पर ए है वहाँ पर क्या रखना है, सी रखना है। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लो, थोड़ा सा ये सुंदर लगे, हाँ ए की जगह पर सी, बी की जगह पर तीन रखना है, और ये अंदर में कोष्ठक, चाहे गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, जरूरी नहीं छुपा रहता है। तो ए, ए की जगह पर सी और इसकी जगह पे तीन, स्याही फालतू क्यों खराब करूँ मैं लिख के, तो ये सी क्यूब प्लस, देखो भाई तीन का क्यूब का मतलब क्या होता बच्चा जानते हो, वैसे ये जस्ट ऊपर नहीं लगता, इसका सही तरीका है इसके खोपड़ी पे रहता है, थोड़ा छोटा रहता है भाई, जितना बड़ा बाप उतना बड़ा बेटा भी नहीं ना, मतलब समझ रहे हो, अगर ये इतना बड़ा नंबर है तो इसकी घात थोड़ा छोटी उसके खोपड़ी पे रहेगी, ये नहीं कि नंबर इतना बड़ा है तो घात इतनी बड़ी कर दो, फिर ये थोड़ा आर्ड लगता है, हाँ समझ रहे हो ना, तो ये तो फिर कलयुग वाली बात होगी, हाँ समझो। तो तीन त्रिक का नौ त्रिक ये हो जाता है सत्ताईस। सत्ताईस कैसे हो जाता है, देखिए तीन का घात तीन का मतलब होता भैया कि तीन को हमें तीन बार गुणा करना बाबू, ठीक है, तो ये तीन तीन, तीन का तीन में नौ हो गया, नौ का तीन में सत्ताईस हो गया, प्लस ये आपका तीन त्रिक का नौ सी, और प्लस आपका ये सी प्लस तीन, इतना सबका क्लियर है, देखते चलिए, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है आपको, हड़बड़ी में हो जाती गड़बड़ी, वो गूगल गाइड देखे हो ना, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं, तो जल्दी करना है भाई, जल्दबाजी नहीं। तो ये कितना हो गया, सत्ताईस, नाइन का सी, मतलब नाइन सी का सी में गुणा करो, देखो ये ऐसे नाइन सी का सी में गुणा करो, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पर भी क्या है, एक ही घात है, हाँ क्या कह रहा है ये, ओवरलोडेड बता रहा है, चलो देखो समझो, तो आगे क्या होगा, समझते चलो हाँ, इसमें गुणा होगा तो एक एक घातें इसके क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो जुड़ जाएंगी तो भैया क्या हो जाएगा बाबू, ये नाइन सी का स्क्वायर प्लस नाइन सी का तीन में गुणा होगा, तो नौ त्रिक सत्ताईस और सी, बस हो गया, इसमें तो और कुछ है नहीं, हो गया फाइनल। अब इनको थोड़ा सीक्वेंस से हमें लिखना है, सीक्वेंस से हम इसलिए लिखेंगे जिससे कि ये गड़बड़ ना हो, समझ रहे हो ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, देखो इन्हें सीक्वेंस से लिखेंगे, सी का क्यूब जिसकी घात सबसे बड़ी हो सबसे पहले, उससे छोटी घात जिसकी है वो दूसरे नंबर पर, और जिसकी घात एकदम छोटी हो तीसरे पर है, और ये लास्ट में, ये हो गया आपका फाइनल। सबको समझ में आ गया, लिख लीजिए फटाफट, आप पीबीआर स्टडी ऐप में इस क्लास को देख रहे हैं ना, बड़े ही प्यार से देखो और नोट्स को मतलब बनाओ जरूर, ठीक है, समझ रहे हो ना, नीचे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, अगर कोई बात आपको कहनी है अपने दिल की तो मुझसे कह सकते हो, लेकिन पढ़ाई वाली, बाकी दिल में तो बहुत कुछ आता है, सब कुछ मत कहो नहीं तो हम खुद परेशान हो जाएंगे। चलो ये हो गया,